केवल एमिजार की सहायता से आप इतने बेहतरीन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक बात ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन का आना आवश्यक होता है। यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं ताकि वह अपना गुण बदल कर संज्ञा हो जाए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह धूम्रपान का शौकीन है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वह, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम इस प्रयोग कर लेंगे, है ना। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, का शौकीन, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फोंड ऑफ। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और अभी मैंने आपको बताया यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आए तो उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे ताकि वह अपना गुण बदल कर संज्ञा हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, धूम्रपान करना, ये क्या है, वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, स्मोक में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, वह धूम्रपान का शौकीन है, ही इज फोंड ऑफ स्मोकिंग। वह चाय पीने का शौकीन है। देखो यहाँ पर भी पीना क्या है, वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, चाय पीने के लिए हम टेक टी प्रयोग करते हैं, तो टेक में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो वह चाय पीने का शौकीन है, ही इज फोंड ऑफ टेकिंग टी। वे लोग तंबाकू के शौकीन हैं, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, दे, इसके साथ हम आर प्रयोग करते हैं, आर, उसके बाद फोंड ऑफ, फोंड ऑफ। अब यहां पर एक चीज आप देखो, ऑफ प्रीपोजिशन है और यहां पर तंबाकू ये क्या है, नाउन है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन का आना आवश्यक होता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी नाउन में आपको आईएनजी नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो टोबेको क्या है, नाउन है, तो इसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। वे लोग तंबाकू के शौकीन है, दे आर फोंड ऑफ टोबेको। ठीक है, अब देखो क्या है, वह इंतजार करते करते उब गया है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है उब गया, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे टायर्ड ऑफ। ठीक है, अब आप देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, और इंतजार करना ये क्या है, वर्ब है, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, वह इंतजार करते करते उब गया है, ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग। सुमन खेलते खेलते उब गया है, सुमन इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग। आप काम करते करते उब गए हैं, You are tired of working। ठीक है, तालाब मछलियों से भरा है, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, तालाब, तो इसके लिए पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, द पोंड। ठीक है, अब द पोंड क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इज प्रयोग कर लेंगे। अब यहां पर क्या है, से भरा, तो से भरा, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फुल ऑफ। ठीक है, अब देखो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, और मछलियों ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन का आना आवश्यक होता है, लेकिन नाउन में आपको आईएनजी नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो द पोंड इज फुल ऑफ फिशेज।
तालाब मछलियों से भरा है. द पोंड इज फुल ऑफ फिशेज. हॉल लोगों से भरा है. द हॉल इज फुल ऑफ मेन. अब क्या है, टोकरियां फूलों से भरा है. तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे टोकरियां. द बास्केट्स आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आर प्रयोग कर लिया, ठीक है, फुल ऑफ फ्लावर्स. देखो टोकरियां फूलों से भरा है. द बास्केट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स. अब क्या है, पृथ्वी हरी घास से ढकी है. तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे पृथ्वी. द अर्थ इज, अब यहां पर देखो क्या है, से ढकी. तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कवर्ड विथ, ठीक है. तो पृथ्वी हरी घास से ढकी है. द अर्थ इज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास. पृथ्वी हरी घास से ढकी है. द अर्थ इज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास. उसका चेहरा कपड़ा से ढका है. तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट यहां पर क्या है, उसका चेहरा, ठीक है. तो हिज फेस इज, मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज प्रयोग कर लिया, ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे कवर्ड विथ ए क्लॉथ. उसका चेहरा कपड़ा से ढका है. हिज फेस इज कवर्ड विथ ए क्लॉथ.